आज दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को श्री दिगंबर जैन मंदिर कैलाश नगर गली नंबर 2 में परम पूज्य आचार्य श्री 108 अरुण सागर जी महाराज का चातुर्मास निष्ठापन पिच्छी का परिवर्तन एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे चमनलाल जैन जी, भूपेंद्र जैन जी, योगेश जैन जी, सुधीर जैन जी, सतीश जैन जी, कमल जैन जी, अनुज जैन जी, सुभाष चंद जैन भगत जी और समस्त आयोजक श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक समिति एवं श्री साधु सेवा समिति कैलाश नगर दिल्ली का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना ये पीछी बोलो ना ये पीछी बोलो ना ये पीछी बोलो ना। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना ये पीछी बोलो ना। पीछी बोलो ना।
सज कर अपने गले लगा लो। जैसे अपनाया पीछी को मुझको भी अपना लो, मुझको अपनी पीछी समझ कर अपने गले लगा लो। भक्तों ने ये भेद अनोखा, पीछी से जान लिया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, 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 कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर अरुण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास जैन समाज कैलाश नगर दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक समिति साधु सेवा समिति एवं अन्य सभी यहाँ की जो स्थानीय संस्थाएं हैं और महिला मंडल हैं उनके पूर्ण सहयोग से बड़ी भव्यता के साथ आज संपन्न हुआ। मन के अंदर तृष्णा है पूरे विश्व के अंदर राज करने की, उसके कारण से हिंसा के भाव पनप रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से जैन समाज कैलाश नगर की ओर से सकल विश्व से अनुरोध करता हूं कि संपूर्ण विश्व को बंधुत्व के सूत्र में बांधना चाहिए, परिवार के सूत्र में बांधना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है हम जैन तीर्थंकरों के संदेश को जीवन में अपनाएं। यदि विश्व के समूचा देश मिलकर के जैन तीर्थंकरों की वाणी का प्रचार प्रसार करें, जैन साहित्य को अपने देश के अंदर लागू करें, मुझे लगता है पूरे विश्व के अंदर शांति का वातावरण बनेगा, पूरा विश्व के अंदर बंधुत्व का वातावरण बनेगा। जैन धर्म के दो प्रमुख सूत्र हैं अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो। अगर यह दो सूत्र हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो निसंदेह अपने घर में, अपने समाज में, देश में और विदेश में पुनः शांति स्थापित हो जाएगी। कैलाश नगर जैन समाज का एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि हमारे यहाँ 1970 में आचार्य गिरनार गौरव श्री निर्मल सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ और उनका एक ऐसा आशीर्वाद समाज को मिला कि उसके बाद आचार्य देशभूषण जी, आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, ऐसे ऐसे महान संत हमारे यहाँ विराजमान हुए और सन्मति सागर जी, जो हस्तिनापुर वाले आचार्य शांति सागर जी, जो ऐसे संतों के दर्शन हमें करने को मिले, ये समाज का बहुत बड़ा पुण्य का होता है। पर महावीर भगवान की जय। आचार्य अरुण सागर जी महाराज जी का इस वर्ष में जो चौमासा मिला है इससे समाज को बहुत कुछ मिला है और जो कि आज चौमासा पूरा हुआ है इसमें फिर भी समाज को बहुत खुशी भी है और बहुत गम भी है क्योंकि महाराज जी कल सुबह बिहार करके यहाँ से जा रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास यहाँ पर सानंद संपन्न हुआ। पूरे भक्ति भाव से पूरे समाज ने पूरे तन मन धन से महर्षि की भक्ति की और भक्ति के साथ पूरी श्रद्धा से वैयाव्रति वगैरह आहारचर्या पूरी निपुण संपन्न कराई। महर्षि का मंगल कल विहार आराध्य धाम की होगा और होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि वह सब सम्मिलित होकर धर्म लाभ लें।